हेलो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग के गार्डन में हम लोग पौधे बड़े शौक से लेके आते हैं, मगर वो सरवाइव नहीं करते। पेरिनियल प्लांट्स हैं और जब तक उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी ना हो, जब तक हेल्दी ना हो और जब तक भरा ना हो गमला, मतलब बुशी ना हो प्लांट, तब तक वो कंटेनर या प्लांट बहुत प्रिटी नहीं लगता। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं जो आपको बहुत ध्यान में रखना है जब आप गार्डनिंग करते हैं, स्पेशली जब आप पेरिनियल प्लांट्स लगाते हैं अपने गार्डन में। तो आज हम लोग सबसे पहला पॉइंट लेंगे सॉइल, क्योंकि हर प्लांट का, हर गमले का, हर कंटेनर का ये ग्रो करने के लिए ये एक बेसिस होता है प्लांट का। प्लांट की ग्रोथ रूट से ही शुरू होती है। रूट हेल्दी हो तो प्लांट भी बहुत दिनों तक चलता है, बहुत हेल्दी रहता है और जल्दी खराब नहीं होता। ज़्यादातर हम लोग एक ही चीज़ कहते हैं कि जब सॉइल लें तो वो वेल ड्रेनिंग हो। वेल ड्रेनिंग मतलब होता है कि पानी इनमें अगर कंटेनर में डालते हैं जिसमें बहुत अच्छा ड्रेनेज होल है, तो डालें और पानी निकल जाए, ये इसकी सबसे बड़ी खूबी होती है। देखिए, इसको मैं ऐसे बांधने की कोशिश कर रही हूँ और ये टूट जाता है। इसके मतलब ये बहुत क्लेई नहीं है, बंधने वाला सॉइल नहीं है। तो आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, बस एक ये क्वालिटी की वेल ड्रेनिंग सॉइल हो ये ज़रूर ध्यान में रखें। और इसके लिए जो मैं कॉम्पोजिशन जनरली लेती हूँ वो है, एक पार्ट कॉम्पोस्ट लेती हूँ, एक पार्ट रिवर सैंड लेती हूँ, एक पार्ट गार्डन सॉइल लेती हूँ और एक पार्ट ये कोकोपीट लेती हूँ। कोकोपीट ना हो तो आप लीफ मोल्ड ले सकते हैं, और साथ में अगर ये ले लेते हैं रूट चाकोल तो ये भी बहुत हेल्प करता है। और इसके अलावा एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है फंगीसाइड। फंगीसाइड थोड़ा सा बेशक डालें, छोटी टी स्पून में, अगर हाफ अ टीस्पून भी अगर आप डाल देते हैं पूरे गमले के लिए वो एनफ हो जाता है। फंगीसाइड इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फंगस से रूट्स बहुत जल्दी ख़राब होती हैं, तो ये फंगीसाइड ज़रूर डालें। ये नहीं है तो कुछ हल्दी डाल सकते हैं, सिनेमन पाउडर डाल सकते हैं, और इसके अलावा आप डाल सकते हैं बोन मील और नीम खली। तो ये सॉइल अगर आप तैयार करते हैं और ये बना के रख लीजिए। अब नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसमें वाटरिंग कैसे करते हैं, ये सेकेंड पॉइंट है। अगर आपने वाटरिंग ठीक नहीं की तो ज़रूर प्लांट ख़राब हो जाएगा, और डिपेंड करेगा कंटेनर कितना बड़ा है, मौसम कैसा है, प्लांट को कितना मॉइस्चर पसंद है। जो मैं ये प्लांट में पानी डाल रही हूँ ये पेनीवॉट का प्लांट है, ये मॉइस्चर लविंग प्लांट है, इसमें पानी खड़ा भी रह जाता है तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे सिंगोनियम है, ये बहुत ज़्यादा वाटरिंग करने से ख़राब हो जाते हैं। तो इनको आपको कैसे चेक करना है, ऊपर की एक इंच की जो सॉइल है वो अभी गीली है, इसके मतलब अभी प्लांट को पानी नहीं चाहिए। जब तक ये टॉपलेट ड्राई नहीं हो जाता, जब तक ज़्यादातर प्लांट्स में वाटरिंग नहीं रिक्वायर्ड होती है। ओवर वाटरिंग से बहुत जल्दी प्लांट ख़राब होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसकी लोकेशन प्लांट की। सन बहुत इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर होता है, सनलाइट कितनी मिल रही है प्लांट को, और कुछ प्लांट्स में तो बहुत जल्दी आप ये डिफरेंस देख पाएंगे लोकेशन का, कि राइट लोकेशन में रखा है तो प्लांट में कितने कलर्स आ गए। ये जो मैं कोलियस दिखा रही हूँ, इनको ब्राइट लाइट में ही इनके कलर्स खिल के आते हैं। जब तक आप ब्राइट लाइट में नहीं रखेंगे, जब तक इनमें ब्राइटनेस नहीं आएगी लीव्स में, तो लोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो फ्लावरिंग प्लांट हैं आपके पेरिनियल, उनमें भी फ्लावरिंग तभी होगी जब उनको खूब अच्छी सनलाइट मिलेगी। तो सनलाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, सनलाइट में मेन है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है जिससे अपना फूड प्रोड्यूस करता है। और अगर आपकी प्लांट को अच्छी सनलाइट नहीं मिल रही या बहुत कम मिल रही है, बहुत डिफ्यूज्ड है, तो प्लांट लैंकी हो जाएगा, लंबा लंबा हो जाएगा, हेल्दी नहीं लगेगा और बुशी नहीं रहेगा। बुशी बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है सनलाइट, ताकि प्लांट अपना फूड मैन्युफैक्चर राइट वे में कर सके और बहुत हेल्दी ग्रो कर सके। प्लांट्स को आप बहुत ज़्यादा मूव अराउंड ना करें। कुछ सक्यूलेंट्स भी होते हैं
जो आपको बहुत ज़्यादा मूव नहीं करना है। आज बहुत तेज़ धूप है, कल एकदम शेड है, ऐसे करने से ये प्लांट अपने आप को अडेप्ट जल्दी जल्दी इतना नहीं कर पाते हैं। अगर आपको करना है तो जैसे ये प्लांट है, आप इसको एक ही जगह खाली रोटेट कर सकते हैं ताकि हर जगह से इसको सनलाइट मिले। जब कंटेनर में प्लांट्स लगते हैं तो वो आउटग्रो कर जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, अनरूली हो जाते हैं। तो इनको राइट साइज का रखने के लिए, राइट शेप में रखने के लिए आपको कुछ प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। प्रून मतलब इनकी खाली थोड़ी सी कटिंग करनी है ताकि ये बुशी भी रहे और प्लांट में बहुत सारी ब्रांचेज हों। जितनी ब्रांचेज होंगी उतने ही बढ़ जाएंगे, उतनी ही इसमें फ्लावरिंग होगी। तो राइट सीजन में जब इनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही हो तब आप इसकी राइट प्रूनिंग कर सकते हैं ताकि प्लांट जब सीजन आए तब बहुत अच्छे से ग्रो कर सके, बहुत ब्रांचेज निकल सके। पेरिनियल प्लांट्स होते हैं वो बहुत दिनों तक एक ही कंटेनर में रहते हैं, तो कुछ प्लांट्स होते हैं जो बहुत जल्दी रूट बाउंड हो जाते हैं। और रूट बाउंड अगर हो गया है तो इसके मतलब रूट्स को ठीक से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे, पानी भी नहीं जा पा रहा। तो इसके लिए आप इसको रूट को निकाल के, पूरा रूट बॉल निकाल के और इसमें आधी रूट प्रून करके फिर दोबारा लगा सकते हैं। और अगर आपको लगता है पेरिनियल है, बहुत टाइम हो चुका है, तो फरवरी और अक्टूबर में जब मौसम अच्छा होता है तब आप इसको फर्टिलाइज कर सकते हैं ताकि रिप्लेनिश हो जाए, इसकी जो जितनी भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे रिप्लेनिश हो जाए और नया फर्टिलाइज़र इसको मिल जाए ताकि ये और ग्रोथ कर सके अगले साल। और राइट मौसम में करेंगे तो इस प्लांट को बहुत हेल्प मिलेगी। और राइट मौसम होता है फरवरी और अक्टूबर, जब ना बहुत ठंड हो और ना बहुत गर्मी हो। इन्फेस्टेशन प्लांट्स को बहुत जल्दी ख़राब करता है, तो मिलीबग का अटैक हो, एफिड से अटैक हो, स्पाइडरमाइट्स का हो, ये रिमूव करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्लांट बहुत जल्दी ख़राब होता है। अगर आपने इन्फेस्टेशन से प्लांट को बचा दिया तो पेरिनियल प्लांट आपके पास थ्रू आउट द ईयर रह सकता है। उसके लिए आपको रेगुलरली अलर्ट रहना पड़ेगा, चेक करते रहें स्पेशली लीव्स के नीचे टिप्स पे कि कहीं आपको कोई बग्स दिख तो नहीं रहे। अगर बग्स दिखें तो आप उसको ज़रूर रिमूव करें। रिमूव करने का ऑर्गेनिक तरीका है, पानी में आप 1 लीटर पानी में 1/2 टीस्पून नीम ऑयल और 1/2 टीस्पून लिक्विड सोप डाल के खूब अच्छे से वॉश आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा इन्फेस्टेशन हो गई है तब आप इमीडा क्लोप्रेट भी यूज़ कर सकते हैं, पानी में डाइल्यूट करके स्प्रे करके वो इन्फेस्टेशन एकदम रिमूव कर देता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।